Religion Outlook. गौड़ी कबीर जी, मन का स्वभाव मन है व्यापी, मन है मार कवन सिद्ध थापी। हर मनुख दे अंदर कोई ना कोई लगन हुंदी है, रुचि हुंदी है। हर मनुख दी अपनी एक विरति हुंदी है, कोई क्रोधित विरति वाला है, कोई बड़े ही नरम सुभा दा नरमाई वाली विरति वाला है, कोई धार्मिक विरति वाला है, ते कोई गलत कम्मां दी विरति वाला है। हर मनुख दे अंदर एक विरति है, वह विरति ही उस मनुख दे पूरे जीवन नूं प्रभावित करती है। ये कह लईए कि साडे मन दे उपर एक पर्दा पिया हुंदा है, वह किसी भी प्रकार का हो सकता। जिस किसी प्रकार का भी वह पर्दा होवे, असीं अपने जीवन दे सारे ही वरतारियां नूं उस परदे दे विच्चों दी ही वेखदे हां। साढ़े जीवन विच वापरन वाले हर वरतारे ते उस परदे दा रंग चढ़ ही जांदा है। कई लोग बड़े नापक्खी हुंदे ने, कदे संतुष्ट नहीं हुंदे। वह परदा पिया होया है असंतुष्टि दा उहनां दे मन ते। उहनां दे जीवन विच जो कुछ भी हो जाए, चंगी तो चंगी घटना दे विच्चों भी वह कुछ ना कुछ मंदा लभ लैणगे। दूजे पासे कुछ हां पक्षी विरती वाले मनुख भी हो सकते ने, जो माड़ी तो माड़ी घटना दे विच्चों भी कुछ चंगा लभ लैणगे। भाव साडी विरती ज्यों जिही भी होवे, साडे सारे जीवन नूं उह प्रभावित कर जांदी है। विरती बणदी किवें है? बचपन तो साडे पैदा होण तो लैके असीं बहुत कुछ वेखदे हां, सुणदे हां, करदे हां, पढ़दे हां, लिखदे हां। हर छोटा वड्डा काम जो असीं करदे हां, हर छोटी वड्डी गल जो असीं सुणदे हां, साडे मन दे उपर कोई ना कोई छाप छड के जांदी है। इह छाप ही साडी विरती बणाउंदी है, ते साडी विरती कोई स्थाई चीज़ नहीं। इह पल पल दिन दिन बदलती रहिंदी है। ज्यों ज्यों असीं जीवन दे विच नवें वरतारियां नूं मानदे जांदे हां, इह गल भी है कि उहनां वरतारियां ते साडी बणी हुई विरती दा रंग चढ़दा है, पर उस वरतारे दा साडी विरती ते भी रंग चढ़दा है। दो पासड़ प्रक्रिया है। सो साडी विरती बदलदी भी रहिंदी है, ते साडी विरती साडे जीवन नूं प्रभावित भी करदी है। एक गल जो कबीर जी इत्थे कहनी चाह रहे ने, वो ये है कि यह विरती जरूरी है। अगली जो पंक्ति, मन है मार कवन सिद्ध थापी, जोगियां दे उपर एक कटाक्ष है, जो मौन धार के समाधि ला के बैठ जाते हैं, जो दुनियावी कामकार तो छुटकारा पा के जंगलों के चले जाते हैं, जा किसी एकांतवास थान के उपर जाके समाधि ला लेंगे। वो कहते हैं कि असी मन नू मार लिया है। उन्होंने उपर कटाक्ष करते हुए कहते ने कि मन नू मार के तुसी केड़ी कमाई कर ली है, की कामयाबी की खट्टी तुसी। कवन सो मुन जो मन मारै, मन को मार कहो किस तारै रहाओ। वो केड़ा मुनि है जो मन नू मारदा है, ते दसो मन नू मार के वह किस नू तारदा है। फायदा की हुंदा है मन नू मारन दा? कहण तो भाव है कि जो विरती है वह चंगी भी है साडे लई, माड़ी भी है। जे असी कुछ करना है तां माड़ी विरती नू मारीए, चंगी नू अपना के रखिए, तां कि असी अपने जीवन दा आनंद भी माण सकीए। मन अंतर बोलै सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। असी बोलते हाँ तां सानू बोलण दे लई प्रेरित भी साडा मन करदा है। जो असी बोलना है वह विचार भी साढ़े मन दे विच ही उत्पन्न होंदे ने। जे असी परमात्मा की भगती करनी है, उहदे लई भी मन की जरूरत है। मन नू मारे बिना भगती नहीं हो सकती। सो इत्थे इह समझिए, मन नू मारना भी जरूरी है भगती दे लई, मन का होना भी जरूरी है भगती दे लई। तां मन नू मारना कित्थों है? विकारां वाले पास्यों, माड़े पास्यों। जो माड़ी विरती साडे मन दे विच है उहनू मारना है, चंगी दा इस्तेमाल करके असी भगती करनी है। कहो कबीर जो जानै भेउ, मन मधुसूदन त्रिभवन देउ। हे कबीर, आख के जो मनुख इस रमज नू समझदा है, उसदा मन तिन्ना लोकां नू चानण देण वाले परमात्मा दा रूप हो जांदा है। एक उदाहरण लईए,
कि जे असी किसी भी चीज़ नूं मारना होवे ते क्रोध दी लोड़ पैंदी है। विकारां नूं होर चंगे तरीके नाल समझण दे लई पंज विकारां दी प्लेलिस्ट अपने चैनल ते है, उहनूं जरूर वेखियो। उहदे च असी बड़ी विस्थारपूर्वक ढंग दे नाल विकारां दे बारे च गल कीती है कि किवें इह विकार साडे लई जरूरी भी ने, विकारां दा कुछ हिस्सा साडे लई जरूरी भी है। सो हुण जे असी गल करिए, जब असी किसी चीज़ नूं मारना है, मान लो कि असी अपने अंदरों विकारां नूं ही मारना है, मारन दे लई क्रोध जरूरी है। जे क्रोध नहीं तो असी मार नहीं सकते, पर क्रोध नूं विकार भी मन्निया गया। तो देखो, क्रोध नूं मारन दे लई क्रोध ही चाहिंदा है। सो मतलब की होया कि क्रोध का एक चंगा पक्ष भी है, क्रोध का एक माड़ा पक्ष भी है। जो माड़ा पक्ष है उहदे तों असी बचना है, जो चंगा पक्ष है उहनूं अपने जीवन का असी हिस्सा बनाउणा है। इह रमज़ है जो सानू समझनी पैनी है। गौड़ी कबीर जी, ओए जो दिसै अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। ओ तारे जो आकाश दे विच नज़र आ रहे हन, किस चित्रकार ने चित्रे हन। बड़ा वड्डा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूझै बूझन हार सभागा रहाओ। ये पंडित दस आकाश किस ते सहारे है। कोई भागा वाला सियाना बंदा ही इस रमज़ नूं समझदा है। सूरज चंद करै उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। ये जो सूरज ते चंद्रमा आदक जगत विच चानण कर रहे हन, इन्हां सभना विच प्रभु दी जोत दा ही प्रकाश खिल रहा होया है। पहलियां पंक्तियां दे विच एक हल्का जिहा सवाल पुछते हैं कि ये तारे किन्ने बनाए, ये आकाश किदे सहारे खड़ा है, ते इन्हां पंक्तियां दे विच जवाब दे दिंदे हन कि ये सब कुछ उस परमात्मा दा बनाया होया है, ते परमात्मा ही इस सब कासे नूं पाल पोस रहा है। कहो कबीर जानेगा सोए, हिरदय राम मुख रामा होए। हे कबीर, आख इस भेत नूं ओही मनुख समझेगा जिस दे हिरदे विच प्रभु वस रहा है, ते मुख ते भी प्रभु है। पाप के जो अपने मुख तो भी प्रभु दे गुणा नूं उचार रहा है, ओही इस भेत नूं समझ सकदा है। गौड़ी कबीर जी, वेद की पुत्री समिरती भाई, संकल जीवरी लै है आई। ये वाला जो शब्द है इस दे विच समिरतियां दी गल हो रही है, जो कि वेद आदिक शास्त्रां दे आधार ते बनाईयां गईयां हन। कबीर जी कहिंदे हन कि हे वीर, ये समिरति जो वेदां दे आधार ते बनी है, वेद की पुत्री समिरती भाई संकल जेवरी लै है आई, ये तां अपने श्रद्धालुआं वास्ते वर्ण आश्रम दे मानो संगल ते कर्म कांड दियां रस्सियां लै के आई हुई है। चेता करिए कि जो समिरतियां हन, इन्हां दे विच वख वख कारजां दे लई, वख वख अवसरां दे लई वख वख कर्म कांड दर्शाए गए हन। ते कबीर जी कहिंदे ने कि उह कर्म कांड जो हन श्रद्धालुआं दे लई संगल ते रस्सियां वांग ने। उन्हां कर्म कांडां ने, वहमां भरमां ने श्रद्धालुआं नूं बुरी तरां दे नाल जकड़िया होया है। आपन नगर आप ते बाधिया, मोह कै फाद काल कर संध्या रहाओ। इस स्मृति ने अपने सारे श्रद्धालु आप ही जकड़े हुए हैं। कित्थे ते शास्त्र हन जिन्हां दे विच बड़ा मनोविज्ञान भरिया होया है, जो सानू संसारक मोह तो मुक्त करवाउंदा है। पर इस स्मृतियां जो हन, इन्हां ने श्रद्धालुआं नूं कर्म कांडां दे विच जकड़ दिता होया है। स्वर्ग आदिक दा मोह ते मौत दा डर, इन्हां दोहां गल्लां दे विच श्रद्धालुआं नूं फसाया होया है। ये कहना कि फलाना कर्म कांड कर लवो मौत तो बच जाओगे, जां जे मौत आंदी भी है तो स्वर्ग च चले जाओगे, जे इदां नहीं करोगे तो नरक च चले जाओगे। सो मोह दे विच भी फसाया होया है, स्वर्ग दे मोह दे विच भी फसा लिया, मौत दे डर विच भी फसा लिया, नरक दे डर विच भी फसा लिया। बुरी तरां नाल जो श्रद्धालु हन ओह फस गए। कटी ना कटै टूट ना जाई, सा सापन होए जग को खाई। ये जो फाही, ये जो रस्सी, ये जो संगल श्रद्धालुआं
ਤੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਿਰਤੀਆਂ ਸਪਨੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਿਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨ ਸਭ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁੱਟਿਆ। ਹੇ ਕਬੀਰ ਆਖ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਸਮਿਰਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾਵੋ, ਸਗਲ ਤਾਂ ਜੀਨ ਗਗਨ ਦੌਰਾਵੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਰ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਗਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਠੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਗਗਨ ਭਾਵ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਜੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਹਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੈ, ਸਹਿਜ ਕੈ ਪਾਵੜੈ ਪੱਗ ਧਰ ਲੀਜੈ ਰਹਾਉ। ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਰੂਪ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਈਏ। ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੈ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਹਿੱਚੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਚਾਬਕ ਮਾਰੋ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਬਕ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ, ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਅਸਵਾਰ, ਸਿਆਣਾ ਅਸਵਾਰ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇਬਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇਬ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਦ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇਬ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਦ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹ ਮੁੱਖ ਪੰਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤਿਹ ਮੁੱਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ। ਪੰਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪੰਜ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਿਓ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੈ ਹਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
जिस चीज़ की तांग कर रहे सी वह मिल गई तो जीवित हो उठते हैं, तो कुछ पलों बाद होर किसी चीज़ की तृष्णा लग जाती है तो असी फिर मर जाते हाँ। सो ये तृष्णा की अग सानू जन्म मरन के गेड़ विच पाई रखती है। भगत कबीर जी अरजोई करते हैं परमात्मा के अगे अपने सोहने राम के अगे कि हे राम मेरा ये दुख कट दे। काया बिगुती बहु बिद भाती को जारे को गढ़ ले माटी। जब मौत हो जाती है मरन पिछों ये शरीर ये काया बहुत तरीकों के नाल खराब होंदा है, कोई इसनू साड़ दिंदा है तो कोई इसनू मिट्टी दे विच दब दिंदा है। कहो कबीर हर चरण दिखावो पाछै ते जम क्यों ना पठावो। हे कबीर प्रभु दे दर ते इउं आख के हे प्रभु मैनू एक बार अपना दर्शन दे दे, अपने चरणा दा दर्शन करा दे, फिर भावें मेरे पिछे तू मेरे प्राण कढ़न दे लई जम ही क्यों ना भेज देवीं, एक बार अपना दर्शन दे दे फिर मैनू मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना जारा है खसम ता राखा कवना। पावक तो भाव अग अते पवना तो भाव हवा, खसम प्रभु आप ही अग है ते आप ही हवा है, जो आप ही जीव नू साड़न लगे ता कौन बचा सकता है। राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहिया समाए रहाओ। जिस मनुख दा मन प्रभु दे नाम विच जुड़ रहा है प्रभु का सिमरन करते हैं उसका शरीर भावें सड़ भी जाए उन्हों कोई परवाह नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि काको जरा काहे होए हान, नट वट खेलै सारंग पान। बंदगी करने वाले यह निश्चा होंदा है कि ना किसी का कुछ सड़दा है ना ही किसी का कोई नुकसान होंदा है, प्रभु आप ही सब थाई नटा दे पेसा वांग खेड़ रहा है, कितने नुकसान कर रहा है कितने आप ही नुकसान नू सह रहा है, सब कुछ वापरते उस परमात्मा की रजा अधीन ही रहा है। तो फिर असी क्यों किसी गल की फिक्र करिए। कहो कबीर अखर दोए भाख, होएगा खसम ता लेगा राख। इस वास्ते हे कबीर तू तो यह निक्की जी गल चेते रख के जे खसम नू मंजूर होएगा ते लोड़ पैण ते वह तेनू बचा भी लेगा, लोड़ पैण ते तेनू साड़ भी लेगा, होना उही है जो उन्हू मंजूर है। गौड़ी कबीर जी दो पदे नाम है जोग ध्यान चित लाया, बिन बैराग ना छूट समाया। कबीर जी कहते मैं ता जोग दे दसे हुए ध्यान भाव समाधियां दा गौ नहीं कीता, समाधि नहीं लाई, क्योंकि समाधि लाउण दे नाल वैराग पैदा नहीं हुंदा। वैराग तो भाव संसार दे मोह तो उपरामता, समाधि लाउण दे नाल संसार दे मोह तो छुटकारा नहीं मिलता, उपरामता पैदा नहीं हुंदी, ते उहदे तो बिना माया तो खलासी नहीं हो सकती। कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम आधारा रहाओ। जदों परमात्मा दा नाम साढ़े जीवन दा आधार ना होवे तो साडा जीवन क्यों जिहा होएगा, भाव कि परमात्मा दे नाम दे आसरे तो बिना असी सही जीवन ज्यों ही नहीं सकते। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन। हे कबीर आख मैं आकाश तक भाल कर चुकिया हाँ, राम वर्गा परमात्मा वर्गा उहदे बराबर दा मैनू होर कोई लभिया नहीं जो साढ़े जीवन दा आसरा बन सके। सो इस दे नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 329वें अंग दी बाणी दी व्याख्या दी समाप्ति हुंदी है जी। अज दे अंग दी बाणी दी शुरुआत जोगियां दे उपर हल्के जहे कटाक्ष तो हुई, साडे मन दी विरती दे बारे च गल हुई कि किवें मन नू मार लेना सही नहीं, मन दे अंदरों जो भैड़ी विरती है उन्नू मारना है, चंगी नू रख लेना है। फिर उस परमात्मा दी महिमा दी गल हुई तारियां दी चंद्रमा दी सूरज दी आकाश दी कि ये किन्ने पैदा कीते ते कौन इन्हां दी संभाल कर रहा है। उस परमात्मा दी वड्याई इस वरतारे दे राहीं कबीर जी ने कीती। उस तो बाद समृति दी गल हुई कि किवें समृतियां ने अपने ही श्रद्धालुआं नू संगलां दे विच कर्म कांड दे रूप दी रस्सियां दे विच बन्न के रख्या होया है।
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੜ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।